नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट अमित, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 20 जनवरी 1627 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। उनका बचपन उनकी माता जिजाऊ माँ साहेब के मार्गदर्शन में बीता। वे सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में ही राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ले ली थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम एकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वह उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन भी बनाया। उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ विदेशी शासन की बेड़िया तोड़ फेंकने का उनका संकल्प भी और मजबूत होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उस समय की मांग के अनुसार तथा सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए शिवाजी महाराज को 8 विवाह करने पड़े थे। उनके परिवार की पूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट कामकीबात.in पर जाएं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने की बजाय शिवाजी ने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करना शुरू किया। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा हुआ था और लगभग 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा था। मावली लोग संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज ने इन सभी जातियों के लोगों को लेकर संगठित किया और उन्हें मावलो नाम दिया। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्ग पर अपना अधिकार करने की नीति अपनाई। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था, जिसे शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार में लिया। उसके बाद तोरणा का दुर्ग, जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी महाराज ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई थी कि वे पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और ये क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को सबसे पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों को सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली निजी संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह शुभ्ध था। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडाणा के दुर्ग पर अधिकार किया। परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जैन सिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलो पर कब्जा किया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। बाद में शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालूसरे ने कोंडाणा दुर्ग पर कब्जा किया, पर उस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी याद में कोंडाणा पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। यदि आप तानाजी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीरदारी दी गई थी और सूपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उसके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। दो भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर उनका भी अधिकार स्थापित हो गया। 1647 ईस्वी तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सेना शक्ति के साथ
शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सोंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोंसमाला, रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए थे। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहां के प्रमुखों को विदेशों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिशें की थी, जो गोलकुंडा का शासक था और इस कारण आदिल शाह का शत्रु। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वह शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजा ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। पर इस क्रम में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था। ये राज्य सातारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था। यहाँ का राजा चंद्र राव मोरे था, जिसने ये जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मोरे शासक चंद्र राव को स्वराज में शामिल होने को कहा, पर चंद्र राव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया। सन 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्र राव मोरे और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की, पर अंत में वे बंदी बना लिए गए। पर चंद्र राव भाग गया। स्थानीय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध किया, पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति मिल गई। इस वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए कर बद नमस्कार।